राजापुर पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपराध को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत आज खुदागंज पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने ATM बदलकर अब तक लाखों की ठगी करने वाले अंतर जनपदीय गैंग का पर्दाफाश किया है। थानाध्यक्ष बकार अहमद के नेतृत्व वाली पुलिस ने गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कई बैंकों के ATM कार्ड, अवैध शस्त्र व नकदी समेत अन्य सामान बरामद किया है। जहाँ एक और पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली व बिहार तक गाड़ी में घूमकर वारदात को अंजाम देते थे। वहीं दूसरी ओर पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने बताया कि हम लोगों को हिमाचल प्रदेश से इनपुट मिला था कि ATM बदलकर ठगी करने वाले गैंग की लोकेशन शाहजहापुर में मिल रही है। उसी क्रम में ATM के सामने कई टीम मुस्तैद कर दी गई। खुदागंज थाना अध्यक्ष भी सक्रिय थे। आज हम लोगों को बड़ी सफलता मिली और गैंग के 4 सदस्यों राजेश, मीनू, कृष्ण, बलजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया। ये सभी हरियाणा के रहने वाले हैं और इनके पास से कार, अवैध हथियार और भारी मात्रा में ATM कार्ड बरामद हुए। ये लोग कार से ही घटना को अंजाम देते थे। कार किसी भी ATM के सामने खड़ी कर देते थे। ड्राइवर कार में बैठा रहता था और दो लोग ATM के अंदर जाते थे। एक ATM के बाहर खड़ा रहता था। जैसे ही कोई भोला भाला इंसान पैसे निकालने आता था, उसका ATM पिन देख लेते थे और उसको बातों में गुमराह करके उसका ATM कार्ड बदल देते थे। उसके बाद उसी ATM से या अन्य ATM से पैसे निकाल कर फरार हो जाते थे। ATM में घुस जाते थे। ATM से घुसने से उसको नहीं चलाने आते थे। उसको कहा उसकी मदद कर। अच्छा, मदद करने के बाद उसका पैसे निकलवा के अगर उसका ATM चेक कर। पासवर्ड कौन देता था उनका? पासवर्ड वो मोटे वाला। नाम बताओ। मीनू। मीनू पासवर्ड देखता था। फिर बाद में कैसे यूज करते थे तुम इसको ATM को? ATM वो आगे जाके उस ATM से निकल के आगे जाते। कई दिन में कितने पैसे निकाल लेते थे ATM में? जितने अगर उसमें ज़्यादा कितने पैसे निकाल लेते थे? 15,000। पता नहीं निकलता एक दिन में? इसके ऊपर एक दिन में निकलते नहीं कि निकालते नहीं? निकलते नहीं। 15,000 रुपये नहीं निकल रहे हैं? जो जो भी होते निकाल लेते थे। ये हिमाचल प्रदेश के जनपद कुल्लू से एक सूचना हम लोग को मिली थी कि एक गैंग है जो ATM के अंदर जाकर और जो लोग आते हैं अपना पैसा निकालने के लिए उनके ATM बड़े स्मार्टली बदल देते हैं और उसके बाद फिर उनका पिन पहले से नोट करते हुए बाद में उनके पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह की सूचना थी कि वो यहाँ उनकी मूवमेंट है इस समय UP में और ख़ासतौर से इस बेल्ट में है। तो इस पर यहाँ के SOG को भी एक्टिवेट किया गया था और कल रात इसमें कामयाबी मिल गई हमारे SOG टीम और थाना खुदागंज को। इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए जो चारों हिसार के हैं, हरियाणा के, और इन्होंने अपने पूछताछ में बताया कि उन्होंने दिल्ली में, यहाँ वेस्टर्न UP में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, हिमाचल में, कई जगह पर इस तरह की घटनाएं की हैं। और इसमें ये बाकायदे 4-पहिया वाहन का इस्तेमाल करते हैं। ये अपना वहाँ से निकलते हैं, जहाँ भी ये जाते हैं वहाँ रात में ढाबों पर ही रुक जाते हैं और फिर अगली शिकार की ओर चल देते हैं। और जितने भी इनके इस अवैधानिक अपराध इस कृत्य से जो भी इनको आय हुई है उसी से इन्होंने गाड़ी वगैरह भी खरीदी है। तो इसके आधार पर भी हम लोग विधिक कार्रवाई कर रहे हैं और भी जिलों से इसको शेयर किया गया है ताकि वहाँ भी इस तरह की घटना हुई हो, जो वर्कआउट ना हुआ हो, तो पूछताछ करके अपनी यदि इनमें सम्मिलित रहे हों तो तदनुसार कार्रवाई।